आज से हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, अगर आपको पता हो तो। हमारे नया चैप्टर अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन चूल्हे के बारे में सुने हो? अभी थोड़ा सा रीड कर देंगे बाद में, एकदम उसको इंडक्शन चूल्हा मत समझ लेना। पर ये बहुत बड़ी चीज है, जब लोग समझते कि विद्युत चुंबक अलग है, विद्युत चुंबक को एक सा बना लिया है, तो उसी पर आधारित है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए अध्याय 6 मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अध्याय 7 मतलब प्रत्यावर्ती धारा डेरिवेशनों से और इंपॉर्टेंट टॉपिक से भरपूर है। ये दोनों यूनिट 4 के भाग हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यूनिट की साइज छोटी हो जाएगी। अपने में 9 यूनिट है ना कि 10, अगर आपको पता हो एक यूनिट अलग हो गई है। तो यूनिट 4 से एक आएगा ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। तो टोटल हो गए आपके 10 मार्क्स। पहले यूनिट से 8 मार्क्स, दूसरी यूनिट से 8 मार्क्स, 8 के साथ 8, और तीसरी यूनिट से भी 8। लेकिन किसी यूनिट से इसके अलावा 2 यूनिट बस है। प्रकाश की 13 नंबर का आता, लेकिन प्रकाश की इतनी बड़ी है क्या बताएं। प्रकाश की मतलब अपने आप में, इसके बाद प्रकाश की तो बचती है कुछ है प्रकाश की, ठीक है, तो उससे तो 13 नंबर का ठीक है, लेकिन ये इतनी बड़ी यूनिट भी नहीं है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा में। लेकिन इसमें गजब की बात यह है कि 4 मार्क्स का भी आना है और 5 मार्क्स। अगर आप यूनिट अच्छे से पढ़ लेते हैं और ये 2 क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि इतने कठिन नहीं होते हैं, ठीक है, नॉर्मली 5 मार्क्स का आ जाता है प्रत्यावर्ती धारा, 4 मार्क्स का विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, तो कोई भी एक यूनिट अगर अच्छे से पढ़ लो ना, तो फिर आपको दूसरी पढ़ने की टेंशन ज्यादा नहीं रहेगी, बिकॉज नॉर्मली अथवा में आ जाते हैं। नॉर्मली की बात करें, पढ़ना सब कुछ अच्छे से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप मांगे जितनी भी यूनिट्स देखेंगे सब उतनी लेंदी नहीं रहेंगे, पर नंबर आपको भरपूर देंगे, और उसी की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जैसे हर यूनिट की शुरुआत में कहानी खोज सब बताते हैं, इसमें भी बताएंगे, लेकिन आज नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आज हमें पहले चुंबकीय फ्लक्स को समझना पड़ेगा। तो शुरुआत तो आज ही हो रही है, लेकिन जो कहानी आपको हमेशा यूनिट के पहले सुनाते हैं कि उन्होंने ऐसे खोज कर दी और शीट की सुई हिल गई थी, किसी को पत्थर मिल गया था, है ना, किसी ने मेंढक करंट लगा दिया था, ऐसी बहुत सारी कहानियां मैंने आपको सुनाई, लेकिन इसकी कहानी वो कल सुनाई जाएगी। अभी आप फ्लक्स को समझेंगे, विद्युत फ्लक्स को। तो इससे पहले कि मैं विद्युत फ्लक्स को समझें, कोई भी एक व्यक्ति से मैं पहला सवाल पूछ लीजिए, आंसर मत दीजिएगा, क्षेत्रफल कैसी राशि, इस बारे में बात करना चाहता हूँ। तो कौन जवाब देगा क्षेत्रफल कैसी राशि है? बस एक जन। अरे यार ऐसे नहीं, जब जैसे पूछा है तो जवाब उसको देने चाहिए। चलो हाँ भाई, दीपांशु बताएगा। दीपांशु बताओ क्षेत्रफल कैसी राशि है? अरे डिसाइड कर लो आदेश के साथ। चलिए छोड़िए, नहीं पता होगा। देखिए एप्पल है, इस एप्पल का वेट कितना है? 236 ग्राम, नॉर्मली इतना होता है। अब अगर हम इस एप्पल को ऐसा कर दें तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 236 ग्राम ही रहेगा। और अगर इसको ऐसा कर दें तो, समझ रहे हैं, और यहां कर दें तो मतलब एप्पल का जो वेट है, जो भार है, वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। तो द्रव्यमान कैसी राशि? एक अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश। आप उसको उल्टा सीधा कर लो, किसका लो, कुछ भी कर लो, वेट उसका वही रहेगा। अब अपने पास यहां पे एक ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये क्या हो गया? खिसक गया। 10 न्यूटन का फोर्स सही होगा इस घर्षण वाली सतह के विरुद्ध, तो खिसक गया बढ़िया आराम से। तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाने से खिसकता है। अब देखिए, अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाऊं तो क्या गारंटी है खिसकेगा? गारंटी नहीं है कि नहीं खिसकेगा। देखिए एक्चुअल में इसको खिसकाने के लिए जो अपन ने फोर्स लगाया था, अब 10 न्यूटन का जो 60 फोर्स लग रहा है, उसके 2 घटक निकलेंगे, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। 10 cos 60, 10 sin 60, इतना तो आपने 11th फिजिक्स में पढ़ रखा है। 10 cos 60, cos 60 का मतलब होता है 1/2, मतलब 5 न्यूटन लग रहा है खिसकाने में, और बाकी जो जितना भी है, 5 नहीं है लेकिन जितना भी है 5 का, वो वेट इसको भारी बना रहा है। इस ब्लॉक को क्या करा रहा है? भारी। तो बहुत ज्यादा चांसेस कि ब्लॉक ना खिसके। देखिए फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। अब एप्पल को देखो, चाहे ऐसा रख दो, चाहे ऐसे रख दो, ऐसा रख दो, भार सारा 236 से आ रहा, लेकिन फोर्स अगर अपन ने थोड़ा सा ऐसा किया तो जो खिसकाने वाला काम था वही काम अब नहीं होगा, कि फोर्स वही है, 10 न्यूटन ही है। और सुन लो, ठीक है, ये देखो इसमें खिसक रहा है, इसमें पता नहीं क्या खिसकेगा नहीं खिसकेगा, ये बताओ इसमें खिसकेगा? इसमें गारंटेड है कि नहीं खिसकेगा? देखिए है, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन और ये भी 10 न्यूटन, तीनों ही 10 न्यूटन है, फिर भी उनके प्रभाव क्या है? अलग अलग। क्यों? क्योंकि बल एक सदिश राशि है, और वेक्टर क्वांटिटी की पोजीशन चेंज करने पर निश्चित ही उसके जो कहना चाहिए कार्य, जो उसका काम है, जो उसको करना है, वो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। कि फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। तो इसी प्रकार से आपको क्षेत्रफल को समझाने के लिए मैंने वैसे पहले भी दिया था, फिर से दे रहा है एग्जाम्पल, कि कल कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि इस तरह तो वो नहीं पढ़ पाए,
तो मैंने कहा चलो फिर से दे देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर एक नेट है, आप सभी जानते हैं कि जितना बड़ा नेट आप डालेंगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि उतनी ज़्यादा मछली आपसे फंसें, सिंपल सी बात है ना, चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए नेट आया है और इसमें चार मछलियाँ क्या हो गई हैं, फंस गई हैं। तो फिर क्षेत्रफल का क्या है सर? बहुत सिंपल राशि, अधिक राशि है, क्योंकि इसको बड़ा कर दोगे तो ज़्यादा मछली फंसेंगी, छोटा कर दोगे तो कम मछली, मतलब अधिक राशि। पोजिशन से कोई नहीं देखे, बड़े छोटे से मतलब है, परिमाण से मतलब नहीं, ऐसा नहीं। सेम टू सेम नेट को अगर हम कैसा कर दे, थोड़ा सा टेढ़ा कर दे, अब देखो कितनी फंसी, पिछली बार कितनी फंसी थी, कम हो गए। और अगर इसको ऐसा कर दे कितनी फंसेगी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ऊपर से निकल जाएगी और नीचे से। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल तो उतना ही है, तो कैच तो सब होनी चाहिए, लेकिन किस तरफ से चीज आ रही है। तो क्षेत्रफल सदिश राशि नहीं है, पर जब क्षेत्रफल से किसी को कैच करना है या कोई चीज से संलग्न होने से जुड़ रही है, तो जुड़ते समय डिपेंड करना पड़ेगा कि क्षेत्र पृष्ठ कैसा रखा है, पृष्ठ कैसा रखा है। समझ लो, इस बात को आप समझें कि भाई एक एग्जाम्पल की बात है, एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर मुझे हवा से बचना है, अगर मुझे हवा से बचना है और हाँ सामने कोई कूलर है, कोई पंखा है, मुझे हवा से बचाना है, कुछ अपने महल को बचाना है, तो मैं इतना जितना मेरा कागज का महल है और ताश के पत्तों का तब बोर्ड रख दूंगा तो बचता रहेगा, लेकिन वही बोर्ड अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो नहीं बच पाऊंगा। यहाँ क्षेत्रफल क्या हो जाती है, सदिश राशि हो जाती है। और मैंने उस समय आपको बताया था कि इसकी दिशा विलंब की अनुदिश क्यों मानी जाती है। चलिए अब ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर अपने पास एक पृष्ठ या एक सर्किल या कुछ भी है, अब ये भी इस पोजीशन में 60 डिग्री पर टिल्ट है, कितने डिग्री पर टिल्ट है, और ये भी तो सेम है, सब रिंग क्या है सेम, लेकिन अगर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ने रखें तो देखिए इससे कितनी बल रेखाएं होकर जा रही हैं, 6, देखो बिल्कुल सेम साइज है, इससे कितनी जा रही है, एक कहां जा रही, पार करनी चाहिए, ये ऊपर से जा रही, कहां से जा रही है, ऊपर से या नीचे से, पार करनी चाहिए, देखो ये पार करी है, देखो देख रही है, पार करनी है, पार कर रही क्या। तो अब आप देखिए कि वही मछली वाला एग्जाम्पल, अपन अगर बल रेखाओं को बांधें, मछली को ना पकड़ें, तो इसको बोलते हैं बद्ध फ्लक्स। क्या बोलते हैं? बद्ध फ्लक्स। जैसे विद्युत फ्लक्स बताया था, वैसे इसको चुंबकीय फ्लक्स। तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है 6, 1, 2, 3, 4, बल रेखाओं की संख्या ही क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। जबकि इससे बद्ध फ्लक्स है 1, 2, 3, जबकि क्षेत्र समान है और साथ में जितना जितना पृष्ठ वो उतना ही पृष्ठ ये है, और जितना पृष्ठ ये होते हैं तो सब क्षेत्र एक समान है, क्या है, एक समान। फिर भी पृष्ठ की पोजीशन चेंज होने से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या आ रही है, और मतलब कहना चाहिए परिवर्तन, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितना है, 0। तो चुंबकीय फ्लक्स जो है वो कैसे पता करेंगे, बल रेखाओं की संख्या से। अब बल रेखाओं की संख्या पैसा पता करें, तो आपकी जानकारी के लिए अगर आपके पास कोई ऐसा पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल एकांक है, एक है, कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करने के लिए आपको समझना होगा कि माना इस ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल एक है, तो माइकल फेराडे बता गए हैं कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्या होती है, बराबर। मतलब यदि ये क्षेत्रफल कितना है एकांक, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या रही होगी, 6 रही होगी, कितनी रही होगी, 6। तभी इससे कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, 6 बल रेखाएं क्या गुजर रही हैं, 6। अब यहां पर बच्चों आपको समझना होगा कि पृष्ठ जो होता है, पृष्ठ की दिशा उसके अभिलंब होती, क्या होती है, अभिलंब। हम देख रहे हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र अभिलंब में क्या होता है, समांतर, तो बल रेखाएं अधिकतम गुजरती हैं या गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या अधिकतम होती है, और बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोल रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम। वहीं जब अभिलंब कैसा होता है, क्षेत्र के लंबवत, तो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, 0 होती है, मतलब फ्लक्स क्या होता है, 0। वहीं बीच में अपन देखें तो यहां पर अभिलंब जो है वो कितना कोण बना रहा है, रोहित 60। एक बार आप नाप लीजिए, सही है बेटा, चाना लेकर आए हैं इसलिए ताकि तुम्हें बिल्कुल अच्छी क्लियरिटी आए। तो ये कितना है बेटा, 60 अंश। तो इतना हम बात को समझ गए, सब लोग समझ गए बेटा। अब बता तो नहीं इसका एकांक क्षेत्रफल है कि नहीं, पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे अपन ने मान लिया कि इसका क्षेत्रफल क्या है, एकांक। तो एकांक क्षेत्रफल से जितनी बल रेखाएं अभिलंबवत गुजरती है वो होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लिया ये क्षेत्रफल रोहित एकांक है, समझने के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है और ये तुम्हारा क्या है, अभिलंब। तो अभी लंबवत है तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी बी बराबर कितनी, 6। वो क्या होगी, बल रेखाओं की संख्या, क्योंकि अगर क्या क्षेत्रफल है, एकांक। लेकिन अब अगर तुम देखो कि चुंबकीय क्षेत्र यहां है
तो वो तल के अभिलंबवत तो नहीं है, तल के अभिलंबवत तो तो अगर तल के अभिलंबन लाओ विरु है तो इसका जो ये घटक यहाँ आके बनेगा वो कहलाएगा बी कॉस साठ। क्या कहलाएगा? तो वो आएगा बी इंटू कॉस साठ का मान एक बटे दो, छ इंटू एक बटे दो कितना आ गया तीन। देखिए एक दो तीन बल रेखाएं क्यों कम हो गई है, बिकॉज फेस क्या हो गया है, टिल्ट हो गया है। समझ में आया सभी को ये बात बेटा कि बी वेक्टर जो अभी इसके लंबवत नहीं तो कितना आएगा बी कॉस नहीं आया समझ। अब सर यहां करिए आप, तो अगर आप यहां बी को करेंगे मानसी तो वो आएगा बी कॉस नब्बे, और कॉस नब्बे क्या होता है जीरो, इसलिए कोई बल रेखा नहीं गुजरे। तो इतना हम समझ रहे हैं कि एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली, एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या होती है बी कॉस थीटा। क्या होती है लोग केवल कितना रखते हैं बी, बी भी होती है तब होती है, कब होती है बताओ बी, जब बल रेखाएं पृष्ठ के क्या हो लंबवत, या ये बोल सकते हैं कि अभिलंब बल रेखाओं के क्या हो समांतर। एक पकड़ो फैराडे लंबवत बोला था कि पृष्ठ की अगर बल रेखाएं लंबवत हैं तो उसी को क्या बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन बल रेखाओं की संख्या निकालने के और भी कई तरीके हैं, तो आप ईमानदारी से बताएं तो किसी भी पृष्ठ लंबवत रखे पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या तो क्या होती है बी। याद रखो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए एका, लेकिन अगर पृष्ठ कैसा भी रखा है तो उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या होती है बी कॉस। तो बच्चों बताएंगे एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या होती है बी कॉस थीटा, जहां बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और थीटा है अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। जब अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना है जीरो, तो बी कॉस जीरो, बी कॉस जीरो, बी इंटू वन दैट इज इक्वल टू बी के बराबर होगा, और जब टेढ़ा होगा तो निश्चित ही बी से कम होगा। जैसे यहाँ पे साठ का कोण है तो बी कॉस छह तो कितना होगा तीन, एक दो तीन, समझ आया। क्योंकि यहाँ पे कितना नब्बे है तो बी कॉस नब्बे, कॉस नब्बे का मान क्या होता है जीरो, तो बी इंटू जीरो कितना हो गया जीरो। सबको समझ में आया, तो ये तो हो गई बच्चों एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या किसी का क्षेत्रफल हमेशा एक रहेगा, क्षेत्रफल तो कुछ भी हो सकता है, क्षेत्रफल तो कुछ भी। तो एग्जांपल के लिए अभी इस स्थिति में एकांक क्षेत्रफल से कितनी गुजर रही थी छह, कितनी गुजर रही थी छह। मान लो मैंने ऐसा वृत्त लें जिसका क्षेत्रफल दस हो, कितना हो तो एकांक क्षेत्रफल से छह, दस से साठ नहीं आई समझ में। एकांक क्षेत्रफल से छह बल रेखाएं गुजर रही तो दस से कितनी गुजर जाएंगे साठ, नहीं आई बात समझ में, आएगी नहीं आई। अब रोहित इस कंडीशन में अगर आप बनाए तो यहाँ पे अभी एकांक क्षेत्रफल से कुछ मिल रही रोहित तीन, दस क्षेत्रफल से कितनी मिल रही तीस, और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे एकांक क्षेत्रफल से कितनी जीरो, और दस से अब कितना भी बड़ा कर दो तुम इसको, इस नेट को तुम कितना भी बड़ा कर दो तो ऊपर से निकल जाएंगी और नीचे से निकल जाएंगे, समझ में आया। तो अगर हमें पता है कि एकांक क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजरती हैं बी कॉस थीटा, तो अब अगर इसका क्षेत्रफल ए है, क्या है A. तो ए क्षेत्रफल से गुजरने वाली संख्या होगी बी ए कॉस थीटा, क्या होगी बी ए कॉस थीटा। इसी को अपन बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स, क्या बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। इसको फाई बी बोलते हैं, उसको फाई ई बोलते हैं, इसको फाइव बी बोलते हैं, उसको फाइव ई। अब शायद वहां अपन ने फाइव ई ना लगाया हो, लेकिन इसको अपन फाइव बी ही बोलेंगे। अगर मैं कभी चूक जाऊं तो आप मत चूकना, क्योंकि मुझे फाइव की ही आदत है, ठीक है। आपको मैंने आज बता दिया कि मैं कभी चूक जाऊं तो आप मत चूकना, आप फाइव बी लिखने की कोशिश करना। बाकी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, या तो लिख दो फाइव लिखोगे तो ही चुंबकीय फ्लक्स फाइव बराबर, तो फाइव लिखो चाहे फाइव बी लिखो, तो फाइव बराबर क्या होता है बी ए कॉस थीटा, जहां बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए क्षेत्रफल और कॉस थीटा, हर चीज जरूरी है। तीव्रता ज्यादा होगी बल रेखाएं ज्यादा होंगी, क्षेत्रफल ज्यादा होगा ज्यादा बल रेखाएं होंगी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये, कितनी भी ज्यादा तीव्रता हो कितना भी बड़ा क्षेत्रफल हो, लेकिन क्षेत्र की पृष्ठ की पोजीशन बहुत डिपेंड करती है। फ्लक्स चूंकि बल रेखाओं की संख्या है और संख्या को अपन क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं, इसलिए फ्लक्स एक अदिश राशि है जो कि दो सदिश राशियों बी डॉट ए के अदिश गुणनफल से हमें प्राप्त होती है। सभी को समझ में आया, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं चुंबकीय फ्लक्स कि किसी लंबवत गुजरने वाली अभिलंबवत गुजरने वाली किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, जिसका सूत्र होता है बी ए कॉस थीटा। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है बी ए कॉस थीटा। अब हम एक स्पेशल दो स्पेशल कंडीशन के बारे में बात करेंगे। देखो अगर पृष्ठ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा रखा जाए समांतर, तो अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा लंबवत। इस स्थिति में रोहित थीटा बराबर कितना हो जाएगा नब्बे, निकालो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस नब्बे, बी ए इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। अर्थात जब पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाता है तो इस स्थिति में उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। अगली कंडीशन रोहित
जिसमें हम पृष्ठ को कैसे रखेंगे बेटा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो ऐसे अपन सबसे ज्यादा मछली पकड़ पाए थे। इस स्थिति में पृष्ठ का अभिलंब जो है वो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, समांतर। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस जीरो। कॉस जीरो का मान क्या होता है, एक। कॉस का मान एक से ज्यादा नहीं होता, सबसे ज्यादा। तो जैसे आप कॉस का मान एक रखेंगे, फाई बन जाएगा फाई मैक्सिमम। तो फाई मैक्सिमम क्या होता है मान सी, बी ए। और मैक्सिमम फाई तब मिल जाए हमारा पृष्ठ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, लंबवत। तो लिखेंगे अर्थात जब पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होता है। सेम टू सेम कंडीशन मैंने आपको विद्युत फ्लक्स में भी कराई। इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको रोज बताता जाऊंगा कि पेपर के पॉइंट ऑफ से फ्लक्स का विमीय सूत्र, चुंबकीय फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र और मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर मात्रा के संबंध में जो आएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे फाई की विमाएं। देखो बेटा, कॉस थीटा जो है उसकी कोई विमाएं नहीं होती, वो त्रिकोणमिति अनुपात है। क्या है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार नापेंगे मीटर में, कर्ण भी नापेंगे मीटर में, कोई विमा नहीं कोई मात्र, इसलिए बार बार इसको नहीं लिखेंगे। फाई की विमाएं बराबर बी की विमाएं इंटू ए की विमाएं, ताकि आप बार बार पूछे ना सर ये कॉस थीटा की विमाएं क्यों नहीं लिखा, बिकॉज उसकी कोई विमाएं नहीं होती। अब मैं आपको एक ही बताता हूं, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का मीटर एल और एल कितना आ गया एल स्क्वायर। बी की कौन बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, जिसको पता है वो, जिसको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, हाथ उठाइए किस किस को पता है। चलिए मैं आपको एक मिनट का समय देता हूं, आप निकालिए। आपके लिए बच्चों मैं यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमाएं निकाल रहा हूं। B इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, सभी को पता है। इसका विमीय सूत्र होता है एल ए, याद है सभी को? Yes, नहीं याद है? और बल का विमीय सूत्र होता है रोहित, एम एल, बोल दो टी माइनस टू। और कुछ, एल से एल क्या हो गया कैंसल, तो एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन। कभी कभी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और रोहित को जो डाउट है वो क्लास के बाद डिस्कस हो सकता है, ठीक है रोहित। एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन, ये काय का है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। और क्षेत्रफल क्या बताया, एल स्क्वायर। तो ये आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। तो प्लीज किसी के भरोसे ना रहे, मैंने आपसे बोला शुरू से फर्स्ट डे से एक रजिस्टर बना लो, जैसे केवल विमीय सूत्र हूँ, ये इससे आया ये इससे आया, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वरना कई बार 5 सही जोड़ी आ जाती सीधी और समझ में आ जाती। सबको समझ में आया बेटा कि नहीं आया? चलिए लिख लीजिए। अब हम निकालेंगे फ्लक्स के मात्रक, पहले पढ़ेंगे SI मात्रक फिर पढ़ेंगे CGS। वैसे तो नॉर्मली चुंबकत्व में हम ज्यादा CGS पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ही पढ़े थे। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक, जिनको पता है वो हाथ उठाइए। प्रिया, टेस्ला। और CGS मात्रक जिसको पता है वो हाथ उठाइए, हाथ उठाइए जल्दी से। सेजल, गॉस। एक और मात्रक हाथ उठाइए, ऑस्टर। बिल्कुल सही जवाब, ताली बजा लो खुद के लिए जल्दी से। देखो जिसने पहले हाथ उठाया मतलब उसको कॉन्फिडेंस ज्यादा था, बाकी लोग सुध रहे याद आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसलिए अपन इसकी भी कितने मात्रक पढ़ेंगे, 2। और जैसे एक टेस्ला बराबर कितना होता है, -4 नहीं है यार, हाँ एक टेस्ला बराबर 10^4 गॉस, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस कर ले, कोई दिक्कत नहीं चलता है। एक टेस्ला बराबर क्या है, 10^4 गॉस। वैसे यहां पर इसके SI और CGS में संबंध बहुत क्या रहेगा अर्पित, महत्वपूर्ण। कम से कम तुम भी बोल सकते हो, एक शब्द क्लास में अगर 10 सवाल पूछेगा तो एक का तो आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं अपन, एक तो सवाल होगा कोई, ठीक है। और बिल्कुल चिंता नहीं करें, क्वेश्चन आंसर से अपना लेवल ही बढ़ेगा, ठीक है, वो क्लास में अलर्ट रहेंगे। बी का मात्रक होता है SI टेस्ला, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो बच्चों हम लिखेंगे अतः चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक टेस्ला प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम बेवर कहते हैं। क्या कहते हैं, बेवर। वही रोहित, ईविंग बेवर, जिसे चुंबकत्व का पहला सिद्धांत परिभाषित किया था, ये भूल गए? तो एक बेवर माने क्या हुआ, एक टेस्ला इंटू एक मीटर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों को? इसके बाद अर्पित हम पढ़ेंगे एक बेवर की परिभाषा। बेवर की परिभाषा के लिए मुझे तो बताना पड़ेगा कि चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। अब यदि बी बराबर क्या हो जाए, एक टेस्ला, ए बराबर हो जाए एक मीटर स्क्वायर, और थीटा बराबर कितना हो जाए, 90।
तब जो फ्लक्स फाई बी पहुंचेगा एक टेस्ला एक मीटर स्क्वायर और कॉस 90 ये क्या होगा जीरो। लेकिन जब कोण जीरो होगा तो पृष्ठ कैसा लग रहेगा लंबवत। भूल गए चित्र बना दें। ये देखिए पृष्ठ कैसा रखा है लंबवत, जबकि अभिलंब से कोण कितना बन रहा है जीरो। तो ये कॉस 90 का मान क्या होता है एक, तो फाइव भी बड़ा सॉरी यहाँ पे क्या है कॉस जीरो। तो एक एकम एक टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर और कॉस जीरो का मान क्या हो गया एक। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए यार। चलिए इसी को मन क्या बोलते हैं बेटा एक बेवर। क्या बोलते हैं एक बेवर। अर्थात यदि एकांक क्षेत्रफल या एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला कोई पृष्ठ एक टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा, कोण जीरो है लेकिन पृष्ठ कैसा रहेगा लंबवत। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है। अर्थात एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला कोई पृष्ठ एक टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा हो तो उससे बद्ध या उससे गुजरने वाला, दोनों चीजें सही है। बद्ध मतलब बंध गया है पकड़ लिया गया है, गुजरने वाला मतलब पार हो गया है, ठीक है दोनों चीजें सही है। उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स एक बेवर कहलाता है। समझ बच्चों। अब पढ़ेंगे सीजीएस मात्रक। क्या पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक हम लिख लेते हैं गॉस। ऑस्टेड भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉस और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम एक मैक्सवेल कहते हैं। क्या कहते हैं एक बच्चों। ये नाम जो है जेम्स क्लॉर्क मैक्सवेल के सम्मान में रखा गया है। कौन है ये? ये है विद्युत चुंबकीय तरंगों के खोजकर्ता। विद्युत चुंबकीय तरंगें जिनसे मोबाइल चलते हैं, समझो भगवान है तुम्हारे। जेम्स क्लॉर्क मैक्सवेल, इन्होंने पहली बार अवधारणा प्रस्तुत की। प्रायोगिक रूप से नहीं पर अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की थी। बहुत बड़ी तरीके से अवधारणा पढ़ेंगे अपन, पर अभी हाल उनके सम्मान में ये नाम रखा गया है। तो एक मैक्सवेल बराबर होता है एक गॉस इंटू एक सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद रोहित बेटा हम पढ़ेंगे एक मैक्सवेल की परिभाषा। तो वही सब होगा उसमें अपन लिखेंगे कि यदि एक सेंटीमीटर स्क्वायर वाले पृष्ठ को एक गॉस के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कैसा रखा जाए लंबवत रखा जाए तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या कहलाता है एक मैक्सवेल कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आप हमें समझते जाए टेस्ला और गॉस में संबंध की घात चार गॉस कितना महत्वपूर्ण है, वैसे यहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण जो अपन पढ़ने वाले एक बेवर और एक मैक्सवेल में संबंध। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ देवांशु कि एक बेवर बेवर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला इंटू एक मीटर स्क्वायर। एक टेस्ला में होते हैं 10 की घात 4 गॉस, कितने होते हैं मानसी 4 गॉस, और एक मीटर में होते हैं 10 की घात 2 सेंटीमीटर, लेकिन उस पे लगा है स्क्वायर। समझ आया? एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, याद है कि नहीं याद है? 100 माने 10 की घात 2, 10 की घात 4 गॉस, 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 की घात 4 10 की घात 4 10 की घात 8 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर माने क्या होता है, फिर से बोलो क्या होता है मैक्सवेल। क्या होता है मतलब एक बेवर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल। समझे? मात्रक फ्लक्स की मात्रक के लिए फोर्स कर रहा हूं क्योंकि फ्लक्स की मात्रक सत्य सत्य में आते हैं। नॉर्मली इसमें सत्य सत्य नहीं आते पर नॉर्मली सही में ऐसे होता है। ये कैसे हो सकता है फ्लक्स का मात्रक? केवल फ्लक्स के मात्रक में ही ये कला है, किसी में नहीं। क्यों ये फिजिक्स में ऐसा है तो आपको मजा आ जाएगा, आप सोच नहीं सकते। देखिए अभी मैंने आपको बताया फाई का मात्रक वो हो गया, वो फिक्स है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार सही जोड़ी में ऐसा था वो अपन सोच ही नहीं पाते कि फ्लक्स का मात्रक हो सकता है। तो मजा ना जाए तो पैसे वापस बिल्कुल। बी का मात्रक इंटू ए का मात्रक, देखो बी का मात्रक अपन ने क्या लिखा था टेस्ला, लेकिन अगर अपन बेसिक सूत्र याद करें बी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, तो एफ होता है न्यूटन। क्या होता है न्यूटन, और एम होता है एम्पियर मीटर, और ये होता है मीटर स्क्वायर। कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? तो मीटर से मीटर क्या हो गया, तो ये आया न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। गलत है,
गलत है क्या? अब बेटा कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मीटर, कार्य का जूल। तो न्यूटन मीटर माने तो बच्चों जूल होता है, नहीं आया? तो क्या आप सोच सकते हैं कि फ्लक्स का मात्रक क्या होता होगा? जूल प्रति एम्पियर। किसी भी पूछना वो कहेगा है पगला, तुम्हें कछु नहीं आता है। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति एम्पियर। अभी और झटके बाकी हैं। अगर अपन इसको थोड़ा सा खिसकाएं तो W इज इक्वल टू होता है, सॉरी V इज इक्वल W अपॉन Q। पढ़ा है अपन ने, एक काम परीक्षण आवेश पे किया गया कार्य बैठे। तो अगर हम यहां से W का मान निकालें तो वो क्या आएगा? V इंटू क्यू नॉट। तो जूल बराबर वोल्ट इंटू कूलम। गलत के सही? तो ये भी मात्रक है, वोल्ट इंटू कूलम बटे ये क्या था? ए क्या था रोहित? ए क्या था? अब तो हिंदी में ही लिखेंगे, तुम पूरे हिंदी में ही लिखना, एम्पियर। समझ में आया? अब वैसे तो बच्चे बच्चे को पढ़ाया है कि धारा बराबर आवेश प्रवाह की धर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा का मात्रक एम्पियर, आवेश का कूलाम, समय का सेकंड। तो बोल दो बच्चों जरा कूलाम सेकंड क्या होता है? हाँ बोलो, कूलाम प्रति सेकंड क्या होता है? ओ सॉरी, यहां से थोड़ा मात्रक निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा अपन यहां से एक मान निकाले रहे। हाँ तो क्या आ जाएगा यहां से? सेकंड बराबर कूलाम प्रति एम्पियर। ज्यादा नीचे तो नहीं पहुंच गए? तो अब बता दो कूलाम प्रति एम्पियर की जगह हम क्या लिखने वाले? आप देखो झटका तुम, वोल्ट सेकेंड। ये भी काय का मात्रक है, फ्लक्स का। तुम चलो ये तो फिर भी लोग मान लेंगे, लोग निकाल लेंगे, लेकिन कोई से बोलो वोल्ट सेकेंड, ये कहाँ से आ गया? वोल्ट सेकेंड का क्या लेना देना फ्लक्स से? लेकिन देखो मात्रक तो मात्रक है। तो नाम रख रख के अब इतने सारे नाम हो गए हैं कि अपन उनको गुमनाम कर सकते हैं, ठीक है ना? ये अपन ने इतने का किसी का नाम वोल्ट रख दिया, किसी का नाम जूल रख दिया, नाम ही तो है। न्यूटन भी तो क्या है? नाम ही है। आखिरी चीज रोहित, चूंकि अपन ने अच्छे से पढ़ा है इसलिए एक बार फिर से बिंगी सूत्र बता दे मुझे। अरे यार नहीं हुआ, एम एम टू पक्का देख लो एक बार, 12 21 एक बार देख तो ले यार, 12 21। तो अगर इसका हम मूल राशियों के पदों में मात्रक निकाल दो तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर एम्पियर। कभी नहीं आता वो तो बता दिया से। ये समझ में आया मस्त के नहीं? कितने लोगों को ये बहुत बढ़िया लगा है कि हाँ यार कोई चीज़